हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो आपने वॉलपेपर में देख लिया होगा और वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। ये सभी क्वेश्चंस स्टेटिक क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। संविधान के बारे में आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आपका एग्जाम एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, सीएचएसएल का हो या फिर एसएससी सीजियर का ही क्यों ना हो, इस सेक्शन में से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस को पूछेगा। आपका एग्जाम आने वाला है एमटीएस का, कुछ ही दिन बचे हैं और सीजियर का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी आप तैयारी में जुट चुके हैं। अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हैं, तरीके से स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस तरीके से आपने एम सेट कर लिया है अपना, उसको अचीव करने का आपने डिसाइड कर लिया है, तो प्लीज बी फोकस, पूरा फोकस बनाइए अपनी स्टडी के साथ में। आपकी जो भी प्लानिंग है उसको फुलफिल करिए, पर डे के हिसाब से प्लानिंग को अपना डिवाइड करिए। अगर आपको डाउट है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, कौन से सब्जेक्ट मेरा वीक है, किस में कितना समय देना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना, उसके लिए आप सबसे पहले एक काम करिए, एक मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। नंबर चाहे जितने भी कम क्यों ना आए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम चैनल अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपको हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर। किसी भी स्टैंडर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब का ढेर मत लगाना। जिस तरह से स्टूडेंट एंड अपना घर में किताबों का ढेर लगा लेते हैं, 12 12 13 13 किताबें परचेज कर लेते हैं, शायद कुछ बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो बच्चे उसी कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन उन्होंने एक सब्जेक्ट की 5 किताबें परचेज करी, उन 5 किताबों को उन्होंने एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ा, तो ये जो कैटेगरी आती है ये आती है ढेर में। मतलब कि बहुत सारा हमने बंच खड़ा कर लिया किताबों का, आडम्बर लगा दिया, ढेर लगा दिया अपना रूम के अंदर, लेकिन पढ़ा एक बार भी नहीं। 5 किताबें खरीदने से ज़्यादा बेहतर है किसी एक किताब को 5 बार पढ़ लेना। शायद मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक अगर आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, एक किताब में सारा कवरेज कैसे हो सकता है, सारे क्वेश्चंस को अलग अलग किताबों में पढ़ना ही पड़ता है, एक किताब से बात नहीं बनती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप अपनी सोच को बदलें। वक्त आने पर आपकी सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी, रियलाइज आपको हो जाएगा कि स्टडी करने का तरीका क्या है। चलिए बच्चों, मैं फिलहाल बात बहुत अधिक हुई, आपको समझाना मेरा फर्ज था, थोड़े समय के लिए मैंने आपको समझाया, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, मतलब क्या है मेरा, वो समझदार बच्चे जो भी होंगे समझ गए होंगे, ठीक है, बाकी वक्त है बताएगा आपको। लेकिन ये क्वेश्चन आप पेन डाउन करना प्लीज मत भूलिएगा, नोट्स बनाइए और सही समय आने पर उसको रिवाइज करिए। देखिए, जो भाग हमसे पूछता है एग्जाम में कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, या वो पूछेगा हमसे भाग 4 किससे संबंधित है, या भाग 4 में क्या बात अंकित करी गई है, तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, या भाग 4 का जो ये क्या वर्ड दिया गया है, ये क्या कैसे कबूतर वाला क्या है, ये किससे संबंधित है। तो आपको डायरेक्ट इस वीडियो को अभी पॉज करना है, कुछ भी क्वेश्चन जो भी आप पढ़ते हैं उसको बोल बोल के आप लिखेंगे, इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वॉच करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके भाग 1 से लेकर के 20 तक के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे एग्जाम के लिए, काफी इम्पोर्टेंट की थी, वो सभी आपको याद हो जाएगी। देखिए, भाग 1 में हमसे कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, ये जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के बीच में इसकी बात करी गई है। भाग 2 में बात करता है नागरिकता के, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के बीच में बात किसकी करी गई है, नागरिकता की। भाग 3 में बात करता है हमसे मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक बना है, ये बना है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में। भाग 4 भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसमें जिक्र करा गया है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के बीच में है। भाग 4A आपको 4 का देगा एग्जाम में, या 4A देगा, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल केवल एक ही है इसमें, वो है 51A। तो ये 4 जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, स्टेटिक जीके के अंतर्गत ये आता है, ये सभी क्वेश्चन स्टेटिक जीके हैं, आपको इतना तो याद करके जाना ही जाना चाहिए एग्जाम में। बात करते हैं भाग 8 की, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन,
भाग 15 में बात आती है निर्वाचन की, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 17 में होती है राज्य भाषा से संबंधित बातें करी गई हैं इसमें, और इसके अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 343 से 351। देखिए आपसे क्या है, वो अनुच्छेद के बारे में बहुत कम पूछेगा, वो केवल एग्जाम में ये पूछेगा कि भाग 17 किस से संबंधित है, ये आपको याद रखना है राजभाषा। फिर पूछ सकता है आपसे भाग 15 किस से संबंधित है, ये आपको याद रखना है निर्वाचन से, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद आपको मूल कर्तव्यों का याद रखना है कौन सा अनुच्छेद है, और नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको मैं पूरा पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप हो सके तो अभी तुरंत याद कर लीजिए, लिख लिख के याद करें। इस वीडियो को 3 से 4 बार वॉच करें, जैसे आप कन्वीनियंट लगता है वैसे आप इसको याद करें, ठीक है। भाग 18 जो है वो है आपात उपबंध से, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के बीच में। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं, एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है भाग 20। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल थे हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, हमने सामने ये देखे सबके सब, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, केवल इतना ही पढ़िए और इतना ही पढ़ के जाइए, लेकिन पढ़ के जाना आप बिना पढ़े, केवल एक आपने भाग याद कर लिया, भाग 15 याद कर लिया और चले गए एग्जाम में, आपसे भाग पूछ लिया, तो बाकी पे दोष मत देना कि यार बाकी तो कुछ नहीं आया। अरे आता सब है, मैक्सिमम चैनल अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, किसी की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे गलती होती है कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, सबसे बड़ा फॉल्ट होता है हमारा कि हमारे माइंड में हम पढ़ते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते, हम कमियां निकालते हैं औरों के अंदर, जबकि औरों के अंदर जबकि कमी होती है हमारे अंदर कहीं ना कहीं। अगली बात करते हैं मौलिक अधिकार की एवं संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, ये हमसे एग्जाम में पूछेगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अंतर्गत बात कौन से अधिकार की करी गई है, ये अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में, किसकी बात कर रहा है ये कर रहा है हमसे स्वतंत्रता के अधिकार की। अगला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 18 तक के बीच में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है अनुच्छेद 31 से लेकर के 35 तक के बीच में। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, कितना कितना इंपॉर्टेंट था इस पूरे वीडियो में। वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी भागों को याद करेंगे अच्छे से। जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास समय बहुत कम है, जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, केवल वो उतना पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो सीजीएल तक के लेवल का है, लेकिन जो मैक्सिमम जो पार्ट है भाग 3, 4, 4 का और भाग 15, 17 एंड 20, ये इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर एमटीएस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आगे बात हमने करी थी इसमें कौन सा समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद करिएगा। और सीजीएल के लिए ये 6 के 6 जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद जो भी दिए गए हैं इसमें, वो सभी आपको याद करने चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत बहुत अधिक है, एग्जाम में अभी टाइम है, अभी से आप लग जाते हैं तैयारी में, तो डैम श्योर आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।